ये है गाइस MI का 8। तो हम इसका फोल्डर बदलने वाले हैं। इसमें जरा सा यहाँ पर क्रैक है, फोल्डर फिलहाल चालू है, लेकिन फिर भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट था तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो हम मार्केट से नया लेके आए हैं, हमारे पास ये रखा है। इसमें देखो 80 लिख रहा है, और ये 8 में और 8 में और 8A में ये सब में चल जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस ग्रिल को, मतलब जो इसका फ्रेम है, इसको क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लीन कर लिया है, और अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये फोल्डर लगाकर आपको दिखाते हैं। तो ये मार्केट से हम नया फोल्डर लेकर आए हैं, तो आप इसे देखिए। अभी हम इसे चेंज करते हैं, हमें पहले यहाँ पर ये देख लेना है। हम लाए हैं ये बढ़िया A1 क्वालिटी का फोल्डर है, और अब हम इसे चेंज करने वाले हैं। तो आप देखिए, और आप यहां पर सीख सकते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें, पूरा वीडियो धीरे धीरे ध्यान से देखते रहें। तो यहां पर हमें सबसे पहले से ग्लू जो है दिखा दें कस्टमर को, थोड़ा D7000, ये आप ले सकते हैं मार्केट से T7000। तो हमें ये पेन की माप चलाना है, बिल्कुल जो इसका फ्रेम है उसकी किनार पर ध्यान रखना है, सेंसर और कैमरे के सुराग में नहीं लगना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें हल्के हाथ से इसे लगाना है। प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर ये लगा चुके हैं, और यहाँ थोड़ा हम वेट करेंगे, और अपना यहाँ पर जो नया कॉम्बो फोल्डर है उसे हम इसमें फिट करेंगे, और रबड़ के द्वारा उसे टाइट करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं हल्के हाथ से हम इसे यहाँ पर फ्रेम में रखते हैं, और धीरे धीरे से दबाना चालू करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें ये फंस चुका है। तो अब हमें फटाफट से मदरबोर्ड वगैरह असेंबल करना है और इसे पैक करना है। तो हम कुछ इस प्रकार इस पर बजर मेंटेन करेंगे, जिससे कि ये थोड़ी देर हार्ड हो जाए, और फिर इसमें हम अपना मदरबोर्ड और इसकी जो सब बोर्ड वगैरह है वो असेंबल करेंगे।